लखनऊ के फैजाबाद रोड पर स्थित हाई कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लखनऊ अधिवक्ता रमेश पांडे चौथी मंजिल से संदिग्ध हालातों में नीचे गिर गए। मौके पर मौजूद सभी अधिवक्ता जमा हो गए और आनन फानन में गंभीर अवस्था में घायल मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश पांडे को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं अधिवक्ता की मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल के बाहर भारी संख्या में वकीलों की भीड़ जमा हो गई और जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। देखिए, आज हाईकोर्ट परिसर में एक घटना हुई है। रमेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो गिर गए थे ऊपर से फ्लोर से, उनको फिर लोहिया में लाया गया जहाँ उनमें घोषित कर दिए गए हैं। अभी उनका मोर्चरी में रखा गया है सर, और अभी कार्रवाई की जा रही है। क्या अभी तक बताया गया कि क्या किस तरीके से घटना हुई? देखिए, उसकी जांच चल रही है, अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रमेश ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। अधिवक्ता रमेश पांडे मूल रूप से सुल्तानपुर पाड़े बाबा गांव के रहने वाले थे। फिलहाल अभी अधिवक्ता के चौथी मंजिल से नीचे गिरने के कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है और पुलिस भी गंभीरता से छानबीन में लगी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।